sui che ti ritare. नमस्कार बागवान भाइयों, मैं विक्रम चौहान आज अपने ऑर्चर्ड पे आया हूँ जिसकी हाइट लगभग 7500 फीट है। तो आज हम कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, कटिंग से रिलेटेड कुछ बातें हम आपको बताएंगे। तो हमारे दोस्त विनोद जी यहाँ पे हैं, तो विनोद जी हमें बताएंगे कि कटिंग करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपका सनलाइट या फिर आपको बीक पे या फिर कोई भी बातें हैं वो हमें बताएगी इस वीडियो में। विनोद जी आप बताइए कि कटिंग से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए ये बातें। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ विक्रम चौहान जी, जो आप मेरे हमारे इस ऑर्चर्ड में, जो आपका और मेरा ऑर्चर्ड है सेम हाइट पे है। तो हमने आज एक निर्णय लिया, क्यों ना हम बागवान भाइयों को कुछ अपने बारे में बताएं जो हम प्रूनिंग करते हैं। वैसे तो मैक्सिमम सारे ही प्रूनिंग करते हैं, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने लास्ट ईयर की जो प्रूनिंग की थी उस तरह से इसको, वैसे भी ये काफ़ी नाजुक ब्रांच नीचे से आई थी, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना इसको थोड़ा यहाँ से रोक दिया जाए। तो इस पर जो एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज आई थी मैंने इनको फ्री छोड़ दिया था, एक को फ्री छोड़ दिया था और एक को रिंग कट पे इसको हमने काट दिया था यहाँ से, जो कि ग्रोथ में भी चले गया है। वो इसलिए शायद ग्रोथ में गया है क्योंकि जो इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये ग्रोथ में भी चले गया है। वैसे तो मैक्सिमम जो रिंग कट होते हैं वो ब्लॉक ही हो जाते हैं, या तो उसमें बीमा बनता है या फिर पीछे पिन भी में निकलते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए ये ग्रोथ में चला गया। इसलिए ये ग्रोथ में चला गया। अब हम इस बारिश को फिर से यहाँ पे बीक पे डाल दिया आपने, बीक पे डालेंगे या फिर ये बीक पे समझ लो, या फिर एक अगर इसको आप मेन ब्रांच पे देखते हैं, तो अगर हम मेन ब्रांच पे इसको करते हैं तो ये डच कट जो होता है हमारा, तो उसकी तरह से इसमें फॉर्मेशन होगी। हाँ, फिर इसमें बीमा फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये जो ब्रांचेज है हम चाहते हैं कि इसको यहीं पे रखें, वही बीक पे डाल के। अब ये ग्रो, हमने इसको इस पे यहाँ पे ही फ्रूट लेना है। हाँ, इस पे भी में तैयार हो जाएगी ना। ये भी हमने हमारे एफ्स ऑर्चर्ड जो प्रेम चौहान जी है उनके थोड़ा कंसेप्ट लिया हमने, इसमें कंसेप्ट लिया है। हाँ जी, तो इसमें भी हमारे पास बीमा बन गया है। हाँ, तो ये बीमा मजबूत हो जाएगा। हाँ, ये जो बीमा है ये इसमें जो फ्रूटिंग होगी आपकी काफी स्ट्रांग होगी और मैक्सिमम आपका लार्ज और मीडियम ही यहाँ पे हमारे को जो मतलब क्वालिटी पे आ रहे हैं। हाँ, क्वांटिटी भी नहीं लेना, तो क्वालिटी तो आएगा एटलीस्ट, हमारे पास है। तो ऐसे तो नहीं है, जब हमारे पास क्वालिटी आती है तो क्वांटिटी तो खुद ब खुद ही इम्प्रूव हो जाती है। और हमने मैक्सिमम मैंने ये जो है सिंगल स्टेम पे ही, जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग थी रॉयल की, ये हमारे क्या होती थी मल्टी ब्रांचेज में होती थी। तो मेरा ये जो प्लांट है ये एक साल ऐसे ही चलता रहा। उस समय मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था, फिर जब मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मैंने सोचा कि जो हमारे कंसेप्ट आजकल जो चले हुए हैं सिंगल लीडर सिस्टम पे, हमने जो फेदर की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जैसे मेन पे तैयार करनी है, मेन पे जो हमने मेन ब्रांच पे तैयार करनी है। तो मेरे पास क्या था, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला काम था। वो कैसा था, जो इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल जो प्रूनिंग थी उसमें क्या थी, मेन ब्रांच पे ये सेकेंडरी ब्रांच, फिर सेकेंडरी में आपकी टर्शरी ब्रांच, तो इसमें जो लाइट का जो पेनिट्रेशन था वो भी नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने अपने पिताजी से जो है वो राय ली कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हालांकि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या होगा, या सूख जाएगा या क्या कैसा होगा, क्या रिज़ल्ट मिलेगा, तो ऐसा ही करूँगा। मैं इसको सिंगल स्टेम पे ही इसकी स्पर फॉर्मेशन करूँगा। तो मैं फिर उस समय 2014 के बाद जो है मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि
मैंने इसको सिंगल स्टेम पे ही लाने की कोशिश की है। मैंने इसको जो मेन ब्रांच है उससे किसी भी टहनी को निकाला नहीं है। मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स करना शुरू कर दिया, रिवर्स करना शुरू कर दिया, जिससे आप देख सकते हैं कि इसमें जो पूरा क्वालिटी फॉर्मेशन है बी में मेन ब्रांच पे आ जाएगी, मेन ब्रांच पे ही हो गई। तो अब ये काफी मजबूत भी है, मजबूत होगा तो तभी इस पे ये। और जो सारा फॉर्मेशन है अभी में कि वो क्लोज है, पीछे ही है, आपकी ब्रांच पे ही है, इसमें आपकी क्वांटिटी भी होगी और क्वालिटी भी रहेगी, क्वालिटी भी रहेगी। तो बात दोनों बातों का ध्यान रखना है और साथ में सनलाइट का भी अंदर आना रहेगा इससे। हाँ बिल्कुल, सनलाइट का आएगा ही जब आपकी ब्रांच ही कम से कम है और आपका जो फेदर है वो मेन ब्रांच पे है तो आपकी लाइट तो आएगी अंदर। क्योंकि हमने मल्टीपल ब्रांचे नहीं तैयार की ना, नहीं हमने मल्टीपल जितनी भी मल्टीपल ब्रांचे थी उनको सब में रिवर्स करता रहा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये सब इसमें मैंने रिवर्स की हुई है, ये सारी रिवर्स की हुई है। ये जो हमारे नेगी जी का जो कंसेप्ट था कि आप फ्री छोड़ो जो भी बीक है उसमें आपकी स्पर की फॉर्मेशन हो जाएगी, उनका कंसेप्ट आप देख सकते हैं इस तरह से बीमा फॉर्मेशन। और ये जो कमज़ोर पे जो रिंग था वो मैंने क्लोज कर दिया, अब इसमें भी बीमे की फॉर्मेशन हो गई है। तो मैक्सिमम मेरा काम अब यही चला है कि मैं जो है अपनी बीमे की जो फॉर्मेशन है वो जो है मेन टहनी पे करूँ इस तरह से। और बाकी आप देख सकते हैं खुद विक्रम जी, हाँ दिख रहा है कि आपकी क्वालिटी भी इस पर अच्छी रहेगी। हाँ। अगर आप मल्टीपल ब्रांचे तैयार नहीं करोगे तो आपकी मेन ब्रांच पे ही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही तैयार हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल ब्रांचे तैयार करोगे तो ना हमें क्वालिटी मिलेगी और हम उसको एक्स्ट्रा पालते जा रहे हैं हर साल, उसमें ऐसा है ना जितना जो खाद पानी डाल रहे हैं या फिर जो भी प्लांट को आप दे रहे हैं वो बाद में हम काटेगा और वेस्ट में जाएगा, तो उसको तैयार करना है ना मेन ब्रांचेस पे। हाँ सही है आपका, ब्रांच में जा रहा है जिसमें बीमा बना हुआ है, जिसमें जो फ्रूट लग रहा है वो उसके लिए जाएगा या फिर जो आपकी ब्रांच है वो बाहर ग्रोथ में जा रही है, फिर नेक्स्ट ईयर ब्रांच में दो तीन चार ब्रांचे है वो ले रही है सारी जितनी भी न्यूट्रिशन है। तो आपका जो नेचुरली है जो फ्रूट है वो उस पर ना कोई क्वालिटी। विनोद जी मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, भगवान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कटिंग से रिलेटेड, जैसा कि आजकल कटिंग का टाइम चला हुआ है तो आप एक संदेश उन्हें दे। विक्रम जी सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा जो हमारी जो ट्रेडिशनल रॉयल मैक्सिमम हमारे रॉयल ही चला है हाइट पे, तो डिलीशियस जो अदर वराइटीज़ है स्पर वराइटी है उस पर तो बन गया है किसान अभी हमारा जो है। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमने प्रूनिंग का जो काम करना है टेक्निकली करना है, तो हमने अगर इसको यहाँ से काटा है तो किस बेस पर काटा है, हमारा लास्ट ईयर का क्या है, हमारा आगे की जो इसमें फॉर्मेशन होगी या फिर जो भी इस पर काम होगा वो कैसा रहेगा, हमने इस तरह से प्रूनिंग को करना है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने समय दिया और हमें कटिंग के कुछ टिप्स बताए, धन्यवाद।